झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने किया गिरफ्तार। छापेमारी में सचिन के नौकर के घर से मिले थे 35.23 करोड़ कैश। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम को बुधवार को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार सुबह दूसरी बार आलमगीर को ईडी ने समन कर पूछताछ के लिए बुलाया था। जांच में सहयोग न करने पर मंत्री आलमगीर की गिरफ्तारी हुई। टेंडर घोटाले में ईडी ने हाल ही में आलमगीर के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने समेत 6 लोकेशन पर रेड मारी थी। इस रेड में ईडी ने करीब 37 करोड़ रुपए बरामद किए थे, जिसमें नौकर जहांगीर आलम के घर से करीब 35.5 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे। पाकिस्तान से प्यार है तो वहां चले जाओ, भारत पर बोझ मत बनो, महोबा में बोले सीएम योगी। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के 4 चरणों का मतदान संपन्न हो गया है। अब सभी राजनीतिक 5वें चरण की तैयारियों में जुट गए हैं। 5वें चरण के मतदान को लेकर सत्ता दल ने पूरी ताकत झोंक दी है। मिशन यूपी की कमान खुद सीएम योगी संभाले हुए हैं। इसी के तहत सीएम हमीरपुर लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के समर्थन में महोबा पहुंचे, जहां उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने जहां इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा, तो वहीं 2017 के पहले प्रदेश में सपा बसपा द्वारा की गई लूट का जिक्र कर दोनों ही पार्टियों पर प्रहार किया। सीएम ने कहा कि इन लोगों ने राज्य में सिर्फ माफिया पैदा किए हैं और जनता का शोषण किया है। अरविंद केजरीवाल की जमानत को मिसाल बनाकर कई नेता पहुंचे कोर्ट, चुनाव प्रचार करने के लिए मांग रहे बेल। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। उनकी जमानत पर कानून विदों की मिली जुली राय है। कुछ इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के मद्देनजर अहम मिसाल मान रहे हैं, जबकि कुछ कानून विदों का कहना है कि आदेश कानून के मुताबिक नहीं है। हालांकि दोषी करार दिए जाने तक अदालतें केस टू केस बेसिस पर अपने विवेक के आधार पर अभियुक्त को जमानत देती हैं। ऐसे तमाम उदाहरण हैं, लेकिन केजरीवाल की जमानत एक ऐसे आदेश की मिसाल है जो चुनावी प्रचार प्रसार करने का अधिकार एक नेता को प्रदान करती है। 5वें चरण की वोटिंग से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे लखनऊ में ही क्यों कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान से पहले इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान खड़गे ने अपने सियासी जीवन के बारे में जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, यह चुनाव संविधान और आरक्षण बचाने का है। खड़गे के सुर में सुर मिलाते हुए अखिलेश यादव ने भी इन्हीं बातों को दोहराया। NSA के तहत जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ, नामांकन मंजूर। खालिस्तानी समर्थक वारिस पंजाब दे संगठन की प्रमुख अमृतपाल सिंह का लोकसभा चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है। वो पंजाब के खडूर साहिब लोकसभा सीट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए अमृतपाल सिंह नामांकन पत्र चुनाव आयोग में स्वीकार कर लिया गया है। दरअसल अमृतपाल सिंह पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के साथ ही कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं और वो इस समय असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है और वहीं से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। उसने बीते 10 मई को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया था। रूटीन जजमेंट नहीं, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया केजरीवाल की जमानत पर बोले अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ANI को दिए साक्षात्कार में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि यह कोई रूटीन जजमेंट नहीं है। इस देश में बहुत से लोग मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह से जब अरविंद केजरीवाल की रिहाई और इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने कहा अभी वे यानी अरविंद केजरीवाल दूसरे मामले यानी स्वाति मालीवाल पर हमला में फंसे हैं। उन्हें इससे मुक्त होने दीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। 4 जून के बाद गरीबों मजदूरों की बनेगी लिस्ट, बालनगीर में राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। लोकसभा चुनाव के लिए 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं और अब 5वें चरण की लड़ाई तेज हो गई है। उड़ीसा के बालनगीर में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर संविधान और लोकतंत्र बचाने का नारा दिया है और गरीबों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया है। राहुल गांधी ने कहा हम एक क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं, आज तक ऐसा काम किसी ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि PM मोदी ने 22 लोगों को अरबपति बनाया है, लेकिन हम करोड़ों को लखपति बनाएंगे।
एक जज के तौर पर हम राजा नहीं है, ब्राजील में G20 के मंच से बोले CGI DY चंद्रचूड़। ब्राजील में G20 सम्मेलन चल रहा है, कंफ्यूज नहीं होइए, ये G20 नहीं J20 है। J20 क्या है इस पर आने से पहले समझ ले कि भारत की ओर से देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ इसमें शामिल हो रहे हैं। आज उन्होंने इस समिट को संबोधित भी किया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि भारतीय अदालतों ने समय के साथ खुद को विकसित किया है। चंद्रचूड़ ने कहा कि कोविड ने रातों रात अदालती व्यवस्था से जुड़े लोगों को बदल कर रख दिया। CGI ने तकनीक, पत्रकारों से लेकर और भी कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। केंद्र से फंड रिलीज नहीं हुआ, जंगल में आग की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बोली उत्तराखंड सरकार। जंगलों में आग लगने के मामले में सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र से अब तक फंड रिलीज नहीं हुआ है, जिसका इंतजार कर रहे हैं। आग लगाने के मामले में 420 मुकदमे दर्ज किए हैं। मुख्यमंत्री हर दूसरे दिन अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। हम आग बुझाने में लगे हैं, जिसमें 9000 से ज्यादा कर्मचारी लगे हुए हैं। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर बुधवार को शीर्ष अदालत ने सुनवाई की है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को जमकर फटकार लगाई है, साथ ही साथ उसकी ओर से उठाए गए कदमों पर भी सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि ये बहुत दुखद स्थिति है, काम के बजाय सरकार केवल बहाने बना रही है। माधवी राजेश सिंधिया के निधन पर CM मोहन यादव का भावुक पोस्ट, कमलनाथ ने भी दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां के निधन से मध्य प्रदेश में शोक की लहर है। माधवी राजेश सिंधिया के निधन पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धांजलि देने वालों में BJP नेताओं के साथ कांग्रेसी भी शामिल है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजेश सिंधिया का दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज चल रहा था। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने की खबरें समय समय पर आ रही हैं। मां का हालचाल जानने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया परिवार समेत दिल्ली पहुंचे थे। आज सुबह ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां ने एम्स में अंतिम सांस ली। माधवी राजेश सिंधिया के निधन की खबर से मध्य प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई।